भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी पूरन झा के निर्देश पर चल रही सख्त पेट्रोलिंग के दौरान नवगछिया पुलिस ने एनएच 31 पर वाहन चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद टाटा टियागो कार को रुकवाया। जांच के दौरान कार से लगभग 8.8 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया और गोसाई गांव निवासी तस्कर सौरभ कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यह घटना उस समय हुई जब पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने दीपक ट्रांसपोर्ट के पास एक कार की असामान्य गति पर संदेह जताया और उसे रोका। पूरी तरह से जांच करने पर गांजा की पुष्टि हुई। इस मामले में नवगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी सौरभ कुमार से गहन पूछताछ की जा रही है और उसकी जानकारी पर अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। वहीं इस छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक धीरज कुमार, एसके अमन और सशस्त्र बल के सदस्य शामिल थे। नवगछिया एसपी पूरन झा ने इस सफल ऑपरेशन में शामिल पुलिस कर्मियों को 1,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। वहीं गिरफ्तार आरोपी सौरभ कुमार का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ भागलपुर के सबौर थाने में मामला दर्ज है। नवगछिया थाना की टीम गश्ती में थी, गश्ती क्रम में उसको सूचना मिली कि एक सफेद कार में जिसका नंबर JH 21J 6858 है उसमें गांजा रख के लोग रहे। इस सूचना पर रात्रि जो गश्ती पार्टी थी वो एक्टिव हुई और इस गाड़ी को NH 31 के पास दीपक ट्रांसपोर्ट के पास से रोक के सर्च किया गया, जिसमें 8.8 किलोग्राम गांजा के साथ सौरभ कुमार पिता दिनेश यादव गोसाई गांव थाना गोपालपुर को गिरफ्तार किया गया। और इसमें 8.8 केजी गांजा है और जो कार है टाटा टिगोर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH 21J 6858 है और एक मोबाइल बरामद। इसमें जो सौरभ कुमार जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका आपराधिक इतिहास है, पूछताछ में ये बताएं और अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताएं कि ये 3 वर्षों से गांजा का तस्करी कर रहे हैं, ये पूर्णिया से गांजा लिए हैं और सबौर भागलपुर पहुंचाने जा रहे थे। और इस सब हमारी टीम में टाउन थाना के सब इंस्पेक्टर धीरज कुमार थे, ASI SK अमन और सशस्त्र बल की टीम थी। SP साहब के द्वारा इन लोगों को पुरस्कृत करने का घोषणा किया। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के आनंद कॉलोनी स्थित एक मैरिज हॉल में CRPF के असिस्टेंट कमांडर आयुष कुमार की शादी के दौरान बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने शादी समारोह के दौरान 5 लाख रुपए के जेवरात और 25,000 रुपए नगद की चोरी कर ली। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जब सभी लोग सो रहे थे और चोरों ने मैरिज हॉल में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। सुबह घटना का पता चलने पर हंगामा मच गया और परिजनों ने मैरिज हॉल के कर्मियों और संचालक पर चोरी में संलिप्तता का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि लाखों रुपए देकर हॉल बुक किया था, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। एक बड़ी कमी यह पाई गई कि मैरिज हॉल में CCTV कैमरे नहीं लगाए गए थे, जिससे चोरी की जांच में समस्या आ रही है। मैरिज हॉल के संचालक शिव कुमार ने बताया कि परिजन द्वारा रात में हंगामा किया गया और अब मामले को लेकर पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। गौरतलब हो कि सुल्तानगंज निवासी राजेश कुमार चौधरी के बेटे आयुष कुमार की शादी भीकनपुर गुमटी नंबर 1 निवासी विनय कुमार वर्मा की बेटी से हुई। वही मामले की जाँच के ये पुलिस को जानकारी दी गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। निकलने वाले थे, इसी बीच में पता चला कि मेरी महिला लोग जो है भारतीय पक्ष का जो है कुछ चोरी हो गया, गहना वगैरह, अच्छा पैसा वगैरह। तो हम लोग हड़बड़ा करके आए, अपने आदमी को बुलाए। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि एक कैटरिंग से दूसरे कैटरिंग में जाता है, शिकायत करते हैं, कहता ऐसा होता है और नाना प्रकार के लोग आते हैं। रात्रि के 3:30 बजे लाइट सारा बंद कर दिया जाता है, जनरेटर ऑफ कर दिया जाता है, जनरेटर नहीं लाइट काट दिया जाता है, केवल मड़वा का लाइट जलता है, बाकी सब बंद। मैंने रिक्वेस्ट किया तब जाकर के एक लाइट जलाया, बाकी सारे को बंद कर दिया। CCTV कैमरा नहीं है और प्लस इसका कैटर्स जितना है नौकर चाकर सब हुलकते भुलकते रहता है और मैंने अपने नजरों से देखा। कई बार 3 आदमी को भगाया भी, जिसमें एक लड़के को मैंने पकड़ा भी, लेकिन प्रशासन उनको क्या लगता है सुरक्षा नहीं होने की वजह से चोरी हुई है? एकदम सुरक्षा नहीं होने
के वजह से चोरी हुई है, ये मालिक की मिली भगत है। कितने की चोरी हुई है ये अनुमान, तो जिनका चोरी हुआ है तो 7-8 लाख का जेवर, जेवर कुछ कैश। प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार ने भागलपुर के सबौर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय रानी तालाब मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद बीएलओ से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्राप्त किए गए प्रपत्र 6, 7 और 8 की जानकारी ली। आयुक्त ने वहां उपस्थित लोगों से बातचीत कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया का फीडबैक भी लिया। उन्होंने लोगों से यह भी पूछा कि किनके नाम अब तक छूटे हुए हैं और किसने आवेदन दिया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के छूटे हुए नामों को भी मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी लोगों से फीडबैक लिया और अपील की कि वे अपने आस पड़ोस के लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधित करवाने के लिए प्रेरित करें। आयुक्त ने मतदान केंद्र पर उपलब्ध न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का भी अवलोकन किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, आयुक्त के सचिव अभय कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक दुर्गा शंकर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर धनंजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, बीएलओ और विकास मित्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आज हम लोग जो संघ रिविजन हो रहा है उसके बाबत सभी स्कूल में जहाँ पर कभी बूथ होता है वहाँ पर इस बार का टारगेट है जो जिला निर्धारित किया है कि महिलाओं के सहभागिता बढ़े, टारगेट यही है। सबको टारगेट दिया गया है सभी लोगों को, उसको जो है बिहार में हाईएस्ट बात है वो हाईएस्ट करनी है और उसी सिलसिले में सभी लोगों को हम लोग टारगेट भी कर रहे हैं। पोलिटिकल राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी प्रतिनिधियों से बैठक हुई है और उनको भी हम लोगों ने बोला है कि जो कार्यकर्ता है बीएलए के माध्यम से उनको भी फॉर्म दिया है और ऐप के माध्यम से लोगों को कहें कि भाई आप अप्लाई कीजिए, चाहे नाम चेंज करना है या महिलाओं का नाम जुड़वाना है, कहा महिलाओं का ट्रांसजेंडर का जो दिव्यांग लोग हैं उनका नाम जुड़वाना है। भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की स्थानीय इकाई ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी शाहनवाज आलम ने भाग लिया। बैठक के प्रारंभ में शाहनवाज आलम का फूलों के बुके देकर स्वागत किया गया। दरअसल इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी संगठन का विस्तार और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विचार विमर्श करना था। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श हुआ जिसमें संगठन को मजबूत करने के उपायों पर विशेष जोर दिया गया। नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य और एकजुटता को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की। इसके अलावा 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया ताकि पार्टी चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतर सके। आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे जो ओबीसी से आते हैं और कांग्रेस दो डिप्टी सीएम देगी, दो उप मुख्यमंत्री देगी, एक मुस्लिम से और दूसरा सब। वो सब तो देखिए आने वाले समय में तय होगा, अभी तो उसकी कोई चर्च नहीं है लेकिन ये कन्फर्म है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस्ड न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए इलेक्ट्रिक स्मार्ट टॉयलेट की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। शहर में एक दर्जन से अधिक इलेक्ट्रिक स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए थे लेकिन इनमें से कुछ अब तक चालू नहीं हो पाए हैं जबकि अन्य थोड़े समय बाद ही खराब हो गए। यह स्थिति तब है जब भागलपुर को ODF खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है और अब इसे ODF प्लस बनाने की तैयारियां चल रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई इन सुविधाओं का उद्देश्य स्वच्छता और जन सुविधाओं में सुधार करना था लेकिन टॉयलेट्स की खराब स्थिति के
के कारण लोग एक बार फिर से खुले में शौच करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। शहर के निवासियों और प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। अब सवाल यह उठता है कि कब तक इन टॉयलेट्स की मरम्मत और संचालन की व्यवस्था की जाएगी ताकि भागलपुर को सही मायनों में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा सके और ODF प्लस का दर्जा प्राप्त हो सके। यह जो स्मार्ट टॉयलेट बना है पूरे शहर में, आप दो ठो देख रहे हैं, आप नगर निगम के कैंपस में है। अगर किसी कारणवश आप टॉयलेट के अंदर चले गए तो निकल पाइएगा कि नहीं निकल पाइएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आपको तेजी से शौचालय लगा है तो यह खुलता नहीं है, इसका सारा सिस्टम खराब है। करोड़ों करोड़ की संपत्ति स्मार्ट सिटी के नाम पर, शौचालय के नाम पर लूटा गया है, इसको कोई देखने वाला नहीं। आज तक उपयोग नहीं हुआ। जिस समय इसका उद्घाटन होने जा रहा था उसी समय नगर निगम के एक स्टाफ शौच करने के लिए अंदर घुसा, घुसने के बाद वह निकल नहीं पाया और जोर जोर से आवाज देना पड़ा, तब लोग आके इसको बाहर निकाला। ऐसा शौचालय भागलपुर में जो लगा है, भगवाने भरोसा है जो आप फ्रेश होके बाहर निकलिएगा हमेशा संकट में बने रहिएगा, इसलिए इसकी जांच कराई जाए। भागलपुर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक संघ के बैनर तले खेल शिक्षकों ने सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए नारे लगाए, जैसे 8000 वेतन में इज्जत ना सम्मान, कैसे चलेगा घर परिवार। खेल शिक्षकों का कहना है कि उन्हें इस महंगाई के दौर में केवल 8000 रुपये का वेतन दिया जा रहा है, जबकि उनसे चुनावी ड्यूटी और जनगणना जैसी सरकारी जिम्मेदारियां भी ली जाती है। शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वे अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उन पर दमनात्मक कार्रवाई की जाती है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने चेतावनी दी कि वे अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में अभय कुमार मिश्रा, प्रभात रंजन मणि और भूषण शर्मा सहित कई अन्य खेल शिक्षक मौजूद थे। हम लोगों का मांग है कि सर हम लोगों का पूर्णकालिक करें। हम लोगों का वेतन जो है सर 8000 है। हम लोग नियोजन इकाई के तहत स्टेट एग्जाम पास करके आए हैं। 8000 में हम लोगों का परिवार नहीं चलेगा सर। 2.5 वर्षों से हम लोग सड़क से सदन तक अपनी मांग को पहुंचा चुके हैं। हर नेता मंत्री सबसे मिल चुके हैं, सबसे आवेदन दे चुके हैं सर, लेकिन फिर भी हमारी सरकार सुन नहीं रही है।